चिश्तियां में भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम जलील अहमद के खिलाफ मुहिम करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा थाना बी डिवीजन में मॉनिटरिंग ऑफिसर गुलाम मुस्तफा की मदयत में दर्ज किया गया है। मजीद जानने से मोहम्मद अमीर जमीन आगाह कीजिएगा। देखें जी, चिश्तिया में भी इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ भरपूर जो है कार्रवाइयां की जा रही है। ये म्यूनिसिपल कमेटी के जूनियर क्लर्क है जलील अहमद, जो मुसलसल जो है हल्का NA 168 और BP 241 में मुसलसल जो है इंतखाबी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए था। मुसलसल मॉनिटरिंग करने के बाद जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो है थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसको वार्निंग भी दी है कि मुकदमे के बाद भी अगर ये मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों में मुलविस रहे तो इसके खिलाफ दोबारा भी कार्रवाई की जाएगी। तो यकीनन ये पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियां करने वाले जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं वो भी इस बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट उनकी जगह से भी इस जो कार्रवाई हो रही है इस पर जो मुतलका इंतजामी है उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए हल्के में जिससे हालात खराब हों या इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियां हों। तमाम ये सरकारी मुलाजिम जो है ये पकड़ में आ गया और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन आपका।